इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती रहती, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से वो वापस से उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो मैं एक डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो सपोज़ लाइट आ रही है, दिस इज़ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर लाइट चली गई। तो ऑब्वियस है कि लाइट जो उसका ओरिजिनल पाथ था उस ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई है। उस डेविएशन को मेज़र हम लोग एंगल के टर्म्स में करते हैं कि कितने एंगल से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई है। तो सपोज़ लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई के बराबर है, और ये जो आर होगा वो भी आई हो जाएगा। और इसको कुछ इस तरीके से देखा जाएगा, जैसे आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखते हो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखा जाता है तो उनके टेल टू टेल मिलाए जाते हैं और उसके बाद में वो एंगल देखा जाता है। कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो एक वेक्टर ये हो जाएगा और एक वेक्टर ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ कि ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन था और कुछ वेक्टर जैसा बन जाएगा, टेल टू टेल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये लाइट आ तो ऐसे रही थी लेकिन चली उधर की तरफ गई यहाँ पर ये। तो दिस इज़ द डेविएशन, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। और बहुत ईजिली ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए, नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इस टॉपिक चैप्टर का, और ज्योमेट्री का यूज़ यहाँ पे काफ़ी होता रहेगा। तो एक सिंपल ज्योमेट्री है कि पूरी लाइन है, पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो दिस इज़ 2i, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i या पाई माइनस 2i। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पाई माइनस 2i। अब जैसे अगर ये पाई माइनस 2i अगर ये एंगल है और ये मैं बोलता हूँ कि ऐसे यहाँ पर इसका डेविएशन हुआ है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इसको रटना नहीं है कि हमेशा ये ऐसा ही होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। इन जनरल आप पाई माइनस 2i याद रखो, वो कभी क्लॉकवाइज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने डायग्राम कैसे बनाया है, सिचुएशन कैसे दी गई आपको। तो पाई माइनस 2i, कई बार इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अच्छा ये इनिशियल रे थी, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऐसा ज्वाइन कर लो इसको कि ये पूरा एंगल। तो अगर ये पाई माइनस 2i है तो ये हो जाएगा, टोटल एंगल 2π होना चाहिए, तो पाई प्लस 2i हो जाएगा। तो कोई इसको ये बोल सकता है कि पाई प्लस 2i है ये, लेकिन फिर ये सेंस कैसा हो जाएगा उसके, इसमें दिस विल बी क्लॉकवाइज। लेकिन जनरली हम कुछ ऐसा रखते हैं कि जो आंसर हमारा आया है वो पाई से कम ही आए, पाई से ज़्यादा आंसर हम देना सही नहीं समझते हैं। तो पाई माइनस 2i, तो जनरली बुक्स में आप देखोगे पाई माइनस 2i लिखा होता है। तो पाई माइनस 2i डायग्राम से बहुत इजीली हम सेंस देख सकते हैं कि लाइट कुछ ऐसे आ रही थी, इट वाज कमिंग लाइक दिस, और फिर वो उधर चली गई। तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, और नहीं भी याद रखते हैं तो सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए ये डेविएशंस निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल्स भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सपोज़ सिंपल सा एग्जांपल है कि दिस इज़ अ मिरर, ये जो मिरर है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और सपोज़ एक रे आ रही है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसमें डेविएशन क्या बनेगा वो निकाल लेना है इसमें। तो सबसे पहले हमें आई निकाल लेना चाहिए कि आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास में एक चॉइस ये है कि या तो हम पूरा डायग्राम बनाएं, ज्योमेट्री देख लें, या फिर अगर हमें फार्मूला याद है तो पाई माइनस 2i, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पाई माइनस 2i, पाई आई यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, तो पाई 2 इंटू 60 डिग्री, तो 180 माइनस 120 दिस विल बी 60 डिग्री। सेंस कैसा होगा इसमें यहाँ पर, तो लाइट आ इस तरीके से रही थी और ऑब्वियस है कि कुछ वो फाइनली ऐसे ही जाएगी यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है। फिर देखते हैं इसको, तो इसमें ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, और ऑब्वियस है कि फिर ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। लाइट का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो ये था, और फिर वो कुछ ऐसे चली गई, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है यहाँ पर ये, और ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर भी दिख रहा है कि 60 डिग्री होगा। तो फार्मूले से भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं और डायरेक्टली भी इस तरीके से देख पा रहे हैं, और सेंस ज़रूर हमें पता चल जाना चाहिए। तो सेंस यहाँ पर है इसका एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसका उल्टा आंसर ही बोल सकते हैं कि 300 डिग्री क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज़ ये दो मिरर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं आपस में,
और एक लाइट रे आ रही है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका है थीटा एंगल पे, और इसमें डेविएशन पूछा जा रहा है कि डेविएशन कितना हो जाएगा आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो अब के बार यहाँ पे एक सिंगल मिरर ना होने की वजह दो मिरर्स हैं, तो दोनों से हमें रिफ्लेक्शन करा करके टोटल डेविएशन देखना पड़ेगा कि टोटल डेविएशन यहाँ पे कितना है। तो अगेन अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, इसको फिजिक्स कहना गलत होगा, ये सिंपली ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा पे आ रहा है तो ऑब्वियस है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन भी एंगल थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री बहुत आसान है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर तो दिस इज़ थीटा, थोड़ा आप इसको बढ़ा के देख लो, यहीं पे आसानी से दिख रहा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन जब होगा यहाँ पे तब भी 90 माइनस थीटा पे होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो इनकमिंग रे थी उसका वर्टिकल से थीटा बन रहा था, और यहाँ पर ये वर्टिकल से जो आउट गोइंग रे है उसका भी थीटा बन रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, तो दोनों है तो एक ही लाइन के अलोंग, लेकिन आने वाली रे इस डायरेक्शन में है और जाने वाली रे इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है कि इनका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ डिविशन यहाँ पर जो है वो पाई के इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू पाई। या फिर हम अपने फॉर्मूलेज का यूज़ करके भी इसको ला सकते हैं। तो फॉर्मूले का अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, तो फॉर्मूले का यूज़, तो ये आई ऐसे रहा था लेकिन चला गया उधर, अब के बार ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जो पहले मिरर पे डेविएशन हो रहा है उसको मैं डेल्टा वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा पाई माइनस टू आई, आई की जगह पे हो जाएगा थीटा, और डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया। इसके बाद में आप जो सेकेंड है वहाँ से डेविएशन निकाल लो, तो सेकेंड पे डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 90 माइनस थीटा, तो 290 माइनस थीटा, तो पाई माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 180, और यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा बचेगा इसमें, तो दिस विल बी 2 थीटा। डायरेक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं, तो ये ऐसे आ रहा था और ऐसे चला गया, ये भी क्लॉकवाइज है क्योंकि दोनों एक ही सेंस में है यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करके टोटल डेविएशन निकाला जा सकता है। तो टोटल डेविएशन विल बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, देख सकते हो कि 2 थीटा 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये पाई हो गया। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर डेविएशन पाई हो रहा है तो वी कैन नॉट से कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे अगर ये दो रेज हैं सिंपली, एक ऐसे और एक ऐसे है, तो अगर मान लीजिए कि इनिशियली इस तरीके से था और फाइनली अगर ऐसा हो गया है, तो या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो और ऐसे ही बोल सकते हो। तो कोई बोल सकता है कि नहीं ये पाई एंटी क्लॉकवाइज है, कोई बोल सकता है कि नहीं ये पाई क्लॉकवाइज है। तो जब ये पाई का डेविएशन होता है तो उसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। इसका देखो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अगेन दो मिरर्स हैं लेकिन अब के बार उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और लाइट यहाँ पर आ रही है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई। दो रिफ्लेक्शन के बाद में टोटल डेविएशन क्या होगा ये पता करना है इसमें, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर जब आएगा तो एंगल ये फाई है, उसके बाद में जब ये यहाँ जाएगा ये एंगल भी फाई रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। सपोज़ ये नॉर्मल हो गया इस मिरर के ऊपर, और यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था कि यहाँ पे और यहाँ पे डेविएशन निकाल लिया था, दोनों को ऐड कर लिया था, ऐड करने के बाद में आंसर आ गया था। या फिर हमने एक डायरेक्ट भी किया था कि इनिशियल रे और फाइनल रे को देख लिया था, उनके बीच में एंगल देख लिया था कि एंगल कितना बन रहा है, उससे भी आंसर लाया था हमने। तो पहले तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो इनिशियल रे है और फाइनल रे है उनको देख लेता हूँ। तो इनिशियल ये कुछ ऐसे, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होने वाला है उस एंगल को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये एंगल है फाई यहाँ पे, तो ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये अब क्योंकि ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है इसमें, तो ट्राइंगल बन रहा है तो 180 होना चाहिए, तो 180 होने के लिए देखा जा सकता है कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा। अब ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाए थीटा माइनस फाई। तो दिस एंगल इज़ थीटा माइनस फाई, जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा थीटा माइनस फाई। प्योरली ज्योमेट्री चल रही है इसमें। अब आते हैं इसमें, तो ये है आपका ओरिजिनल डायरेक्शन, जो लाइट आ रही थी ओरिजिनली इस डायरेक्शन में आ रही थी और वो जा रही है इस डायरेक्शन में, तो एक तरीके से दिस इज़ आवर एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अब ये जो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ये तीन पॉइंट्स ले लो,
इन तीन पॉइंट से जो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, उस ट्राइंगल में ये इस तरीके का एंगल है। और ट्राइंगल की ज्योमेट्री अगर याद हो तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल ए है, ये एंगल अगर बी है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो ए प्लस बी हो जाता है। तो उसी तरीके का है यहाँ पर। तो ये जो पूरा एंगल है टोटल, ये जो टोटल एंगल है, उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो इस एंगल के बराबर होगा। तो ये जो टोटल एंगल है वो है 2 फाई, ये है 2 थीटा माइनस 2 फाई। तो ये वाला जो एंगल होगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो 2 पाई में से घटा दिया जाए, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। तो दोनों आंसर वैलिड आंसर्स हैं, और जनरली हमें वो आंसर करना चाहिए जो 180 से हमें कम दिख रहा हो, ठीक है। तो 2 थीटा और 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये दो आंसर्स हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा आप यहाँ और यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डेल्टा वन निकाल देता हूँ। तो डेल्टा वन इज़, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई है और ये ऐसे आ रहा था, ऐसे चला गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया ये। तो पाई माइनस टू फाई क्लॉकवाइज। इसी तरीके से डेल्टा टू, तो डेल्टा टू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा माइनस फाई, तो ये ऐसे आ रहा था और फिर ये इस तरीके से चला गया, तो अगेन क्लॉकवाइज है ये। तो इट विल बी पाई माइनस ट्वाइस टू, पाई माइनस ट्वाइस थीटा माइनस फाई, दिस इज़ क्लॉकवाइज। क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने के बाद डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दिस इज़ नेट डेल्टा। तो यहाँ प्लस टू फाई आएगा, यहाँ माइनस टू फाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 पाई माइनस 2 थीटा। आप देख सकते हो कि ये वाला आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर इसमें। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा ये आंसर हो गया। अब इस आंसर से आप कई सारे कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। एक कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि इस आंसर में फाई कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, देर इज़ नो फाई हियर। तो फाई अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। फाई कौन सा एंगल है? फाई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। फाई आप कितना भी कर लो यहाँ पर, उससे ये आंसर इंडिपेंडेंट होगा, यही आंसर आएगा। ये आंसर सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? तो जो ये एंगल थीटा है मिरर्स के बीच में, बस उसी पर डिपेंड कर रहा है ये। अगर आप इसको प्रीवियस प्रॉब्लम से भी मैच करा के देखो, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने कोई भी एंगल ले लिया था, लेकिन फाइनल हमारा आंसर जो आया था पाई आया था। इसका मतलब यहाँ पर भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी मैं इसके आंसर से निकाल सकता हूँ। वहाँ पर ये एंगल पाई था, सॉरी ये एंगल पाई बाई टू था। तो आप या तो आंसर बोल सकते हो कि 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई टू, यानी कि पाई। यहाँ से भी आंसर हो जाएगा पाई, और दोनों से वही आएगा, चाहे पाई एंटी क्लॉकवाइज बोलो चाहे पाई क्लॉकवाइज बोलो, तो वही बात होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस का आंसर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत इससे भी हो सकती है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो नॉर्मल के उधर भी यहाँ पर ये रे हो सकती है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है। वो एंगल पर डिपेंड करेगा, कम्प्लीटली एंगल पर। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया तो नॉर्मल ये हो सकता है, और यहाँ से जो रे गई थी वो ऐसे भी हो सकती है। तो अगर ये नॉर्मल हुआ तो फिर रे इधर आ जाएगी। अब नॉर्मल किधर लाई करेगा वो, अब आप साफ साफ देख सकते हो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा और फाई पे। थीटा अगर फाई से बड़ा हुआ तो थीटा माइनस फाई ये जो एंगल होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि जो डायग्राम हमने बना रखा है वो सही डायग्राम है। लेकिन अगर थीटा लेस देन फाई हुआ तो उस केस में फिर इस तरह की सिचुएशन बनेगी, नॉर्मल इधर होगा और नॉर्मल के उस साइड में जाकर के रे जाएगी और वो इधर की तरफ आएगी फिर यहाँ पर। तो यहाँ पे अब क्योंकि वेरिएबल्स में था तो मैंने एक केस लेके यहाँ पे इसको सॉल्व किया। थीटा अगर लेस देन फाई होगा तो ऐसा केस बनेगा, थीटा ग्रेटर देन फाई होगा तो ऐसा केस बनेगा। थीटा और फाई अगर बराबर हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जीरो हुआ तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस होने के बाद में जो रे है वो एज इट इज़ वापस हो जाएगी। अगर यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया होता तो रे एज इट इज़ वापस इधर आती, फिर यहाँ पर आने के बाद में, अब याद करो रिवर्सिबिलिटी को, तो यहाँ पर ऐसे आती, उसके बाद में फिर ये सीधे ऐसे निकल जाती, तो लाइट जो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती। तो इस कंडीशन को भी आप याद रख सकते हो कि कभी भी अगर आपको लाइट को रिट्रेस कराना हो तो अगर उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए तो नॉर्मल इंसिडेंस के बाद में लाइट वैसे के वैसे रिटर्न हो जाती है, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, वापस से उसी पाथ को पकड़ते हुए ट्रेस करते हुए लौट जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो खुद प्रैक्टिस करने के लिए है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा दिया गया है, और लाइट जो आ रही है वो 30 डिग्री एंगल पे आ रही है।
इसमें पता करना है फाइंड थीटा सच दैट लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस. तीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट जो है एज इट इज़ रिटर्न हो जाए जैसे आई थी. तीन रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे, तो पहला M1 पर जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, सेकेंड मिरर M2 पे यहाँ पर होगा, और उसके बाद में लाइट वापस M1 पे आनी चाहिए, और जब M1 से रिफ्लेक्शन हो जाए यानी कि तीसरा रिफ्लेक्शन हो जाए उसके बाद में लाइट एज इट इज़ जैसे जैसे आई थी वैसे वापस चली जाए. तो उसके लिए ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है. तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लेते हैं वो है रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स अलोंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. तो कई बार इसमें वेक्टर्स को इन्वॉल्व करके भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें भी बस बेसिक वेक्टर का यूज़ और ज्योमेट्री का यूज़ होता है. तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है हमें यहाँ पे. तो सपोज़ यहाँ पे कोई सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें सपोज़ दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस. अब मैं इसमें वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये वेक्टर्स किस तरह के क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो यहाँ पे. तो अब इसकी लेंथ तो कुछ होती ही नहीं है, ये तो कहीं इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं ये. तो मैं इसमें यूनिट लेंथ कट कर रहा हूँ यहाँ से. तो सपोज़ मैं यहाँ से कुछ ऐसे चलता हूँ, तो ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ 1 है. तो 1 है तो फिर ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और इस यूनिट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आई कैप से. अगेन ये जो लेंथ है ये लेंथ भी 1 के बराबर हो जाएगी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर कैप से. ऑब्वियस है कि ये लेंथ 1 के बराबर नहीं होगी, कुछ यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 1 के बराबर होगी. तो इसको मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जैसे इनका डायरेक्शन तो फिक्स है कि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये आ रही है और ये जा रही है, यहाँ पे इनका डायरेक्शन फिक्स है. नॉर्मल के लिए जनरली ट्रेंड यही है कि नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है, यानी कि सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन है बाहर की तरफ, टूवर्ड द सरफेस नॉर्मल जनरली नहीं लेते हैं. तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ लिया जाता है. तो मैंने भी यहाँ पर जो डायरेक्शन नॉर्मल का वो बाहर की तरफ लिया है. यहाँ पर मुझे इन तीनों में रिलेशन पता करना है, आई कैप, आर कैप और एन कैप, इन तीनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सपोज़ मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. और एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ मैं, ये जो रे है इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और 1 के बराबर ही करता हूँ, यानी कि अभी भी डायरेक्शन वही है और लेंथ भी वही है. तो उस केस में अभी भी आई कैप ही होगा, और फिर इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. तो इस तरह की एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर ये. तो दिस वेक्टर इज़ अगेन आई कैप, और ऑब्वियसली कि ये हो गया आर कैप. अब पहले मैं ये लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो ये जो लेंथ है ये लेंथ होगी कितनी, क्योंकि ऑब्वियसली कि ये लेंथ 1 नहीं होगी, लेकिन ये लेंथ तो 1 है यहाँ पे. तो अगर ये 1 है तो इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी कॉस थीटा. तो दिस लेंथ इज़ कॉस थीटा. इसी तरीके से ये जो लेंथ होगी ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, कॉस थीटा. और अगर मैं एक एरो यहाँ पे लगा दूँ, तो ये जो एरो है या फिर ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसके तरफ है, नॉर्मल के डायरेक्शन में. तो ये जो वेक्टर यहाँ बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वेक्टर नॉर्मल के डायरेक्शन में ही एक वेक्टर है, लेकिन लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड टोटल कितना है, तो इसकी लेंथ है कॉस थीटा, और कॉस थीटा मिला के हो जाएगा 2 कॉस थीटा. तो इस वेक्टर के जो टोटल लेंथ है वो है 2 कॉस थीटा, और डायरेक्शन है एन कैप के डायरेक्शन में. तो दिस वेक्टर इज 2 कॉस थीटा एन कैप, मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया डायरेक्शन. अब सिंपली इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. तो दिस इज ट्राइंगल लॉ फॉर दिस ट्राइंगल. तो वी कैन राइट फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, दिस आर कैप वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो दिस विल बी आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप. ठीक है, वैसे हमने आंसर निकाल लिया है, लेकिन इस आंसर को हम चाहते हैं कि थीटा से फ्री रखें, यानी कि थीटा भी यहाँ पर हटा करके थीटा को भी इनके टर्म्स में लेकर के आया जाए. तो मैं थीटा को भी इनके टर्म्स में लेकर के आ रहा हूँ. तो थीटा बेसिकली एंगल कुछ इन दोनों के बीच में है. तो एक कुछ इस तरीके का वेक्टर, इसको हम आई बोल रहे हैं, और कुछ ऐसा वेक्टर इसको एन कैप बोला जा रहा है.
तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन एंगल के जो डेफिनेशन होती है वेक्टर्स में, उसमें ये होता है कि या तो दोनों के टेल होने चाहिए यहाँ पर, या फिर दोनों के हेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ से तो ये ऑरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। तो थीटा जो होगा वो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल नहीं होगा। तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल फिर क्या होगा? तो उस केस में एंगल बन जाता है यहाँ पर वेक्टर का यूज़ करते हुए, तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। तो आई कैप और एन कैप के बीच का जो एंगल है वो एंगल है पाई माइनस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट सभी को पता होना चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके का होता है। तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट ले लेता हूँ, आई कैप और एन कैप। तो आई कैप डॉट एन कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इनके मैग्नीट्यूड तो वन वन है, तो मैग्नीट्यूड वन वन आ जाएंगे दोनों के यहाँ पे, लेकिन जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस थीटा होगा, और कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप। इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, तो इससे हमें एक फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप और कॉस थीटा की जगह पे माइनस के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा टू आई कैप डॉट एन कैप। एन कैप समटाइम्स इसको वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर मुझे आई कैप और एन कैप पता है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके आई कैन फाइंड आर कैप। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसको चाहे तो याद रखा जा सकता है। इस रिलेशन को अगर एक बार वापस से देखा जाए, तो इसमें सभी के डायरेक्शंस तो पता ही हैं कि आई कैप और आर कैप के डायरेक्शंस क्या होंगे, लेकिन एन कैप का डायरेक्शन हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि एन कैप का डायरेक्शन डेरिवेशन में मैंने आउटवर्ड टू द सरफेस यहाँ पर लिया, सरफेस से बाहर की तरफ। अगर इनवर्ड लिया जाता तो क्या होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं इसमें। अगर मैं एन कैप का डायरेक्शन इनवर्ड ले लेता, तो एक माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता, और एन कैप यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एक माइनस का साइन आ जाता, तो दो जगह पे माइनस के साइन इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो जाते। और अगर दो जगह पे माइनस के साइन इंट्रोड्यूस हो जाते, तो उस केस में फिर यहाँ पर अगेन एक माइनस ही यहाँ पर आ जाता। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर आप एन कैप को किस डायरेक्शन में ले रहे हो, लेकिन जनरली हमें एन कैप को बाहर की तरफ ही लेना चाहिए। सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रे अलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज़ इंसिडेंट ऑन एक्स वाई प्लेन, फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें आपको इंसिडेंट रे दिया गया, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री होगा, यानी कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर हम उस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर हमें इसको यूनिट वेक्टर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट थ्री। मैं एक डायग्राम बेस यहाँ पे इसका बना लेता हूँ। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो कुछ इस तरीके का ये एक्स वाई प्लेन है, कुछ ऐसे आ रही है कि सभी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो कुछ मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको कि सभी के सभी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, जेड भी पॉजिटिव हो रहा है, जेड कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो रे कुछ इस तरीके से आ रही है और कुछ ऐसे जा रही होगी यहाँ पर। इसमें ऑब्वियस है कि एक्स वाई प्लेन अगर मिरर की तरह वर्क कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए जो नॉर्मल होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो नॉर्मल अब किधर लेना चाहिए, तो नॉर्मल सरफेस से बाहर की तरफ, यानी कि रे अगर ऐसे गई है, तो इसके लिए सरफेस से बाहर की तरफ का जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि माइनस के कैप हो जाएगा। तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो माइनस के कैप में यहाँ पर हमें रखना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर यूज़ करें, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। आई कैप की जगह पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट थ्री। आई कैप और एन कैप का अगर डॉट यहाँ पे लिया जाए, तो एन कैप माइनस के कैप में आ रहा है यहाँ पर, तो इसका और इसका डॉट अगर लें इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री, और एन कैप वापस माइनस के कैप हो जाएगा यहाँ पर इसमें। तो ये माइनस इसमें तीन बार आ रहा है, इसलिए माइनस बचा रहेगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री के कैप। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए फर्दर, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई रूट थ्री। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सिंपल थी यहाँ पर, क्योंकि जो मिरर था वो सिंपली एक स्टैंडर्ड प्लेन था, एक्स वाई प्लेन। और आंसर्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो आई कैप में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था, और जो आर कैप है रिफ्लेक्टेड रे
उसमें ये और ये एज इट इज़ रह गए। जो चेंजेस आया है बस वो के कैप वाले में आया है, और उसमें भी चेंज क्या आया है कि अगर ये प्लस था तो यहाँ पर ये हो गया माइनस। इसको आप बिल्कुल कॉलिजन के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे उनसे आप समझ सकते हो कि अगर एक पार्टिकल आ रहा है और ये पार्टिकल इसके साथ कॉलिजन कर रहा है, इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है, तो इलास्टिक कॉलिजन में होता ये है कि सरफेस के अलोंग ये जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो चेंज होता नहीं है। सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो एज इट इज़ रिवर्स हो जाता है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो अलोंग कंपोनेंट होता है वो एज इट इज़ रहता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप, या आई कैप प्लस जे कैप बाई √3। वो कंपोनेंट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ यहाँ पर, जो नॉर्मल के अलोंग था या जेड एक्सिस के अलोंग था, वो कंपोनेंट जस्ट रिवर्स हो गया। पहले वो ऊपर था तो अब वो नीचे हो गया, यानी कि उसमें बस साइन का चेंज आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड प्लेन से रिफ्लेक्शन कराना हो, तो बस आप ये देख लो कि किस प्लेन से करा रहे हो। तो अगर एक्स वाई प्लेन से करा रहे हो अगर आप रिफ्लेक्शन, तो जेड कंपोनेंट का साइन चेंज कर दो। अगर वाई जेड प्लेन से करा रहे हो तो एक्स कंपोनेंट का साइन चेंज कर लो। अगर जेड एक्स प्लेन से करा रहे हो तो वाई कंपोनेंट का साइन चेंज करके वी कैन डायरेक्टली राइट दी आंसर। हमें इतना ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। लेकिन अगर कोई आर्बिट्ररी प्लेन अगर वहाँ पर है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मल इसका किधर होगा किधर नहीं होगा, या फिर सिंपली कई बार नॉर्मल भी एक इस तरीके का कुछ दे दिया जाता है कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल टू आई कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है, तो अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो फिर उसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए।